नमस्कार, मैं हूँ अजय आनंद। हमारे पास स्टूडियो है ये मोतीलाल नगर में। यहाँ हम अपनी शॉर्ट फिल्म ड्रीम ऑफ असलम, जो मेरी अभी आने वाली शॉर्ट फिल्म है, उसकी एडिटिंग कर रहे हैं। तो ये फिल्म हम एडिट कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म है, कमिंग वेरी शॉर्टली। वेट एंड सी, इसके पहले भी हमारी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है, शॉर्ट फिल्म आ चुकी है, डॉक्यूमेंट्री आ चुकी है और फीचर फिल्म अबाउट टू रिलीज वेरी शॉर्टली, लेट्स सी। और इसके बाद भी हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं। आतंकवाद एक ऐसी चीज़ है जो आज पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में आतंकवाद की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में भी आतंकवाद की समस्या है, दूसरे देशों में आतंकवाद की समस्या है, अमेरिका में है, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है और पूरा विश्व इस पर चिंतित है। हर तरह से कोशिश की जा रही है और ये समस्या जो है बहुत जल्द ख़त्म भी नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट हमारे कॉन्सेप्ट में जो बेसिक मुद्दा ये है कि इस आतंकवाद से दुनिया को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि ये जो मुस्लिम कौम है उनको भी बहुत नुकसान हो रहा है, इनके प्रति लोगों का नज़रिया बदल रहा है। तो हम इस चीज़ में कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवाद और मुसलमान दोनों में बहुत फ़र्क है। पूरा एक तबका है जो इसका विरोध करता है और मुसलमानों को भी बहुत पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए और कर रहे हैं इस बात को लेकर के, है ना। तो और इस समस्या का कोई ना कोई तो निदान होगा ही और करना ही है। हम लोग अपने अपने तरफ से कोशिश करते रहे, पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, कोशिश करते रहेंगे तो इस, और आतंकवादियों को भी अगर हम सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं इस फिल्म के ज़रिए, तो ये हमारी बहुत बड़ी फतह होगी। और ये भी हम एक मैसेज देने की कोशिश किए हैं, कर रहे हैं कि उन्हें भी रियलाइजेशन हो कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, सिनेमा मेरे लिए सबसे पहले जो है एंटरटेनमेंट का माध्यम है। एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। संदेश मेरा जो अपना फ़लसफा है कि सिनेमा बनाना मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ संदेश ही देते चले जाएं। अगर संदेश देना है तो फिर हम अखबार निकाल सकते हैं, अपनी बात सिर्फ कहना हो, क्योंकि इस विषय पर मैंने बहुत काम किया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। रंगमंच करता था तो रंगमंच पर चूँकि एक्टर के हिसाब से, डायरेक्टर के हिसाब से, एक समीक्षक के हिसाब से भी मैंने बहुत लंबा काम किया, तो मैं इस बात पर बहुत पुरजोर तरीके से इस बात की अपील करता था कि हम सिर्फ इस फील्ड में अपनी बात कहने के लिए नहीं हैं। अगर सिर्फ हमें अपनी बात कहना है तो फिर हम अब किताबें लिख सकते हैं, अखबार निकाल सकते हैं, जो गलती बहुत सारे लोग कर जाते हैं कि नहीं भाई मैं तो सिनेमा बना रहा हूँ अपनी बात कहने, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। सिनेमा हर एक मोमेंट पे, हर एक फ्रेम में एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आप एंटरटेनर तरीके से कहेंगे तभी वो दूसरे की बातों में, दूसरे के दिल तक पहुँचेगी, दूसरे के दिमाग तक पहुँचेगी, वरना उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई उसका प्रभाव नहीं है। देखिए क्या, सिनेमा सिर्फ सिनेमा ही नहीं, मतलब कला का कोई भी जो विधा है ये समाज का दर्पण ही कहा जाता है। और सिनेमा को स्पेशली कहा ही जाता है क्योंकि सिनेमा वो चीज़ है कि सिनेमा आज जो समाज में हो रहा है उसी को रिफ्लेक्ट करता है, उसी चीज़ों को कहानी के माध्यम से एंटरटेनमेंट के, जब जिस वक्त का दौर चल रहा होता है सिनेमा उस तरह की चीज़ें बनती है। और कला का कोई भी विधा कर लें, इमरजेंसी के टाइम में लोग इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म बना रहे थे, अखबार वाले इमरजेंसी के विषय में लिख रहे थे, है ना, पेंटिंग में भी वो बातें आ रही थी, लिटरेचर में भी वो बात आ रहा था, नागार्जुन जैसे कवि आ रहे थे उस वक्त जो इसका विरोध कर रहे थे। तो सिनेमा कोई भी सिनेमा उसमें से अछूता नहीं है, सिनेमा भी उसमें अपने आप में एक है। देखिए क्या है, सिनेमा वैसे तो हर फिल्म में एक कला है, हम किसी भी फिल्म को खारिज नहीं कर सकते हैं। सिनेमा बेसिकली अपने आप की बिजनेस भी है, कमर्शियल सिनेमा कह सकते हैं, समानांतर सिनेमा का एक दौर आया, एक शब्द दिया गया, सिनेमा तो सब है और सब में आर्ट है। कमर्शियल सिनेमा जो बनाते हैं उसमें भी एक आर्ट है, उसमें भी एक्टिंग होती है, उसमें भी स्क्रिप्टिंग होती है, उसमें भी डायरेक्शन होता है, उसमें भी लाइटिंग, सब चीज़ होती है, एक्टिंग होती है। तो सिनेमा जो है आर्ट सब जगह है, इंटरटेनमेंट सब जगह है। और जहाँ तक शॉर्ट फिल्म की बात है, शॉर्ट फिल्म जो लोग मैसेज के लिए बनाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, लेकिन उसी को हम इंटरटेनर तरीके से कहेंगे तो और भी ज़्यादा मतलब उसका इम्पैक्ट निकल करके आएगा। और सिनेमा में भी वही चीज़ें होती है, सिनेमा में भी जो है लोग कमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं और साथ में जो मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समानांतर सिनेमा भी बनाते हैं, उसमें भी इंटरटेनमेंट होता है। तो इंटरटेनमेंट सब जगह है, आप कहाँ कैसे उसको प्रेजेंट करें टोटली डिपेंड करेंगे।